कि सरकार कैसे बनेगी। मीनाक्षी, एक बार फिर से कंप्यूटर बाबा के पास चलते हैं, जो अपने आंकड़ों के साथ पल पल बदलते हुए भी हमारे सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें, 47 उसको मिली थी 2014 में, लेकिन 40 पर सुई जाकर अटक गई है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे, और यही उसके लिए मुश्किलों का सबसे बड़ा सबब है। इस जेजेपी को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ लेकर आते हैं। 10 सीटों पर इस वक्त जेजेपी है और 10 सीटें अन्य के पास है, जिनमें से 8 अन्य और 2 INLD यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए और आलाकमान ने जिस तरह से दिल्ली मुख्यमंत्री खट्टर को बुलाया है, उसके बाद जेजेपी को मनाने की कोशिश और यही जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को मनाए, उनके विधायकों को अपने साथ जोड़े और बीजेपी 50 के आंकड़े को छुए, 46 का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए चाहिए और इस तरह से बीजेपी के लिए स्थिति यहां पर आसान हो जाएगी। लेकिन अगर जेजेपी, चूंकि जाटों की राजनीति करने वाली ये पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ जाटों ने वोट दिया है जेजेपी और कांग्रेस को, अगर जेजेपी यहां पर बीजेपी के साथ नहीं जाकर कांग्रेस के साथ मिलती है, जिसके पास 30 सीटें अभी हैं, तो यह आंकड़ा जाकर ठहरता है 40 का। कांग्रेस पार्टी को ऐसे में 6 सीटें और चाहिए होंगी सरकार बनाने के लिए। अब इन 6 के लिए अन्य 8 का समर्थन अगर मिलता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को, जो इस वक्त अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ बैठकर मंथन कर रहे हैं, इन 8 अन्य में कहा यह भी जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री का दावा भी है कि बहुत सारे हमारे खुद के चेहरे हैं जिनको कांग्रेस से किसी वजह से टिकट नहीं मिल पाया था, तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे। अगर ये 8 अन्य समर्थन कर देते हैं हुड्डा साहब का कांग्रेस पार्टी का, तो ये 48 सीटें हो जाती है, यानी कि बहुमत से 2 ज्यादा। तो क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर आज तक ने जो एग्जिट पोल आपके सामने रखा था, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति और हरियाणा में 3 घंटे जब वोटों की गिनती हो चुकी है, वही स्थिति इस वक्त हरियाणा में मीनाक्षी बनी हुई है, जो दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का सबब भी है। लेकिन जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे, आप दोपहर के इस समय से लेकर आज शाम तक का समय अपने आप में बहुत अहम होने वाला है, और इसीलिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है लगातार, उनके भी हम रिएक्शन यहाँ पर ले रहे हैं। आशुतोष जी, आपको मैं यहाँ पर चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। आज शाम तक के समय में अब जो मुलाकातें होती हैं, जो टेलीफोन कॉल्स होते हैं, जिस तरह का संवाद होता है, ये सरकार फॉर्मेशन का आधार यहाँ पर तय करेगा। लेकिन त्रिशंकु विधानसभा के आधार में एक मजबूत सरकार बनने की संभावनाएं उतनी कम दिखाई देती है, जैसा कि कर्नाटक के एग्जाम्पल में भी हमने देखा। लेकिन ये 2 सिनेरियोज जो अभी हमने ग्राफिक के जरिए समझाए, कहाँ पर आप बेहतर और क्लियर और मजबूत स्थिति देख रहे हैं सरकार के परिप्रेक्ष्य में? कि जो कोलिशन की सरकारें होती हैं वो अपने अंतर्द्वंद्वों की वजह से वैसे भी हमेशा से कमज़ोर मानी जा सकती हैं, लेकिन अगर आप देखें बीजेपी अगर 41 पे है और उसको अगर इंडिपेंडेंस का सपोर्ट मिलता है, तो ये मान सकते हैं कि वो सरकार बनाने की स्थिति में बेहतर है इस वक्त जो आंकड़े हमारे पास हैं। कांग्रेस जेजेपी अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि 39 सीटें आ जाती हैं, उनको कम से कम 6-7 सीटें और चाहिए होंगी, उनको और इंडिपेंडेंट चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कांग्रेस लेट कॉम्बिनेशन है, वो इनहेरेंटली ज़्यादा वीक होगा उस लिहाज से, अनलेस की जो MLAs जो इंडिपेंडेंट है, अगर उनको पूरी तरीके से कांग्रेस में मर्ज करा लिया जाए या जेजेपी और बीजेपी कांग्रेस के बीच में कोई दूसरे तरीके का गठबंधन बन जाए। तो आप ये मान के चलें कि ये जो सरकार बनेगी, इस सरकार को हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल 100% चलेगी, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे उनकी हो, क्योंकि हरियाणा का जो पूरा इतिहास रहा उसमें आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा वहीं से इजाद हुआ था इसका। ये आपको सीधे लिए चलते हैं, संजय झा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सत्येन चौहान हमारे साथ जुड़ गए। सत्येन, मुझे लगता है इस एक लाइन को कहने